हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे और एग्जाम की तैयारी करेंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। एक बार फिर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बेहतरीन सा टॉपिक। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है हरियाणा पंचायती राज एक्ट है, जो पार्ट नंबर एक में दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अध्याय नंबर, आइए हम देखते हैं अपने पंचायती राज एक्ट अध्याय नंबर एक, धारा एक, हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1994। इसका नाम धारा एक में दिया हुआ है, पंचायती राज एक्ट का। ठीक है, धारा नंबर दो, धारा नंबर दो में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद को परिभाषित किया गया। तीनों का वर्णन किसमें किया है? धारा नंबर दो में। अध्याय कौन सा है? एक। ठीक है, अध्याय नंबर तीन, ग्राम पंचायत व ग्राम सभा का गठन, धारा नंबर 7 से 12 में दिया हुआ है। ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये ग्राम पंचायत के बारे में पूछा गया था एग्जाम में। ठीक है, अध्याय नंबर 4, इसमें ग्राम पंचायत के कर्तव्य, उसके कार्य और शक्तियां, धारा नंबर 13 से 38 में इनका वर्णन है। ठीक है, अध्याय नंबर 6, ग्राम पंचायत पर नियंत्रण, ग्राम पंचायत पर कुछ तो नियंत्रण होना चाहिए, वो किस धारा में है? 46 से 54। ठीक, उसके बाद पंचायत समिति, पंचायत समिति अध्याय में 7। ठीक है, अध्याय नंबर 7, पंचायत समिति, पंचायत समिति का जो धारा है वो 55 से 65। ठीक है, में दिया हुआ है। अध्याय नंबर 10, पंचायत समिति की जो कार्य है और उसकी शक्तियां, कौन सी पंचायत समिति और उसकी कार्य शक्तियां होती है, वो 75 से 87 में इनका वर्णन है। ठीक है, अध्याय नंबर 11, पंचायत समिति में वित्त और कराधान, धारा नंबर 88 से 105 में इनका वर्णन है। ठीक है, आइए एक बार इनको दोबारा से देखेंगे। धारा नंबर एक और अध्याय नंबर एक, सबसे पहले अध्याय नंबर एक, धारा नंबर एक में पंचायती राज एक्ट 1994, इसका नाम का वर्णन दिया गया। ठीक है, उसके बाद धारा नंबर दो, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद को परिभाषित किया गया है। ठीक है, उसके बाद अध्याय नंबर तीन, ग्राम पंचायत और ग्राम सभा का वर्णन, धारा नंबर 7 से, ये धारा नंबर 7 से 12 में इनका वर्णन किया गया। ठीक है, अध्याय नंबर 4, ग्राम पंचायत के कर्तव्य, उसके कार्य, उसकी शक्तियां का जो वर्णन है वो 13 से 38 धारा में दिया हुआ है। ठीक, अध्याय नंबर 6, अध्याय नंबर 6 का ग्राम पंचायत, उस पर नियंत्रण, भी ग्राम पंचायत पर भी तो कुछ नियंत्रण होना चाहिए, धारा नंबर 46 से 54 में इनका वर्णन दिया गया। उसके बाद पार्ट नंबर 3 होता है, जो पंचायत समिति आती है, उसका पंचायत समिति का जो अध्याय है वो 7 है। अध्याय नंबर 7, पंचायत समिति का जो वर्णन है वो धारा नंबर 55 से 65 में इसका वर्णन किया गया। ठीक, अध्याय नंबर 10, पंचायत समिति की जो कार्य है और शक्तियां होती है वो धारा नंबर 75 से 87 में इनका वर्णन किया गया। ठीक है, अध्याय नंबर 11, पंचायत समिति में वित्त व कराधान, धारा नंबर 88 से 105 में इनका वर्णन किया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी कीजिए। और दोस्तों, पढ़ते रहिए, इसी तरह मैं आपके लिए हर रोज एक नए टॉपिक पे और बेहतरीन टॉपिक पे जो इम्पोर्टेंट होगा दोस्तों आपके एग्जाम के लिए लेकर आऊंगी। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़ते रहे। जय हिंद, जय भारत।